हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्वांट स्टडी। आई एम मुजस्सिम अख्तर। जैसे कि आपको पता होगा, मैं JKSSB क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके लिए आपको इंग्लिश का पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, जो कि टोटल 20 मार्क्स का है। और उसमें टोटल टॉपिक्स 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें से मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स कम्प्लीट करवा दिया है, और इवन स्पेलिंग्स का भी पार्ट 1 मैंने आपको कम्प्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप जो हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने स्पेलिंग्स का पार्ट 2 पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि आपको नई नई जो वीडियोज़ आएंगी उनकी अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्पेलिंग्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको स्पेलिंग्स का पार्ट 1 जब लिया था वहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, उसी तरह से आज भी दो क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन इनको आपने करेक्टली, यहाँ पे आपने बोलना है कि करेक्टली कौन सा स्पेल्ड है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, इनमें से कौन सा वो वर्ड है जो सही, जिसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन में हैं, आप कमेंट्स में आंसर बताएं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आया हूँ जो कि पहले जो है मिसस्पेल्ड हैं वो, तो अभी आगे हम उनको करेक्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर दिए भी गए हैं उनकी करेक्ट स्पेलिंग और उनकी इनकरेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला वर्ड है, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले लेक्चर को अच्छे से सुने एंड तक, उसके बाद आप नोट्स बनाएं इनके, मतलब आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप दोबारा से वीडियो देखते हैं तो उससे आपके दिमाग में छप जाएगा ये सारा कुछ। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप सुने, उसके बाद फिर से दोबारा से इसको देख के नोट करें। ठीक है, अच्छा तो पहला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, डिसअपॉइंट। वर्ड डिसअपॉइंट है लेकिन स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है यहां पे, डिसअपॉइंट की DISSAPOINT। ठीक है, ये जो है रॉन्ग स्पेलिंग है। अब कहां कहां पे रॉन्ग है देखते हैं आप। यहां पर आप देख सकते हैं डबल एस है। ठीक है, यहां पर डबल एस है और यहां पर जो है खाली एक एस है, इससे अगर कंपेयर करें तो, मतलब डिसअपॉइंट में जो एस है पहला वाला ये एक ही है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं पी जो है यहां पर एक है, लेकिन यहां पर जो है जो करेक्ट वाला है उसमें दो हैं। इसका मतलब डिसअपॉइंट की स्पेलिंग क्या हो गई, करेक्ट स्पेलिंग DISSAPOINT विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, तो मतलब ये हमारी करेक्ट हो जाएगी और ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ओके, दूसरी भी इसी तरह से है, डिसअपीयर। यहां पर क्या है, डबल एस यहां पर भी है, DISSAPEAR, और यहां पर क्या है खाली एक एस, मतलब क्या यूज करना है हमने, खाली एक एस स्टार्टिंग में, और यहां पर डबल पी है और यहां पर भी डबल पी है, बाकी जो है बाकी सेम है, खाली जो एस है वो एक ही सिंगल डिसअपीयर वर्ड है, उसमें एक ही एस हमने यूज करना है स्टार्टिंग में, मतलब DIS। ठीक है, डिसअपीयर यहां पर हमने एक ही यूज करना है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, उसी तरह से तीसरा क्या है, एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट की जो स्पेलिंग इन्होंने दी है रॉन्ग स्पेलिंग वो क्या है, ENVIRONMANT। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर ANT दी है और एनवायरमेंट की स्पेलिंग एक्चुअली एंड पे ENT है। ठीक है, बस इतना ही, यहां पर मुझे तो लग रहा है इतना ही फर्क है। हाँ, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो मतलब इतना ही फर्क है यहां पे। ठीक है, ओके, उसी तरह से फरहनाइट। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है वो इन्होंने क्या दिया है यहां पे रॉन्ग में, FARHE, लेकिन R जो है वो आगे आता है इसके, ये जो RH है यहां पर जो है HR है, यहां पे क्या है RH है, तो ये जो है इसके आगे आता है,
उसके बाद और कुछ देखते हैं, और कुछ है क्या यहाँ पे, NEIT, लेकिन यहाँ पे HEIT है, ठीक है। तो ये जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी और ये जो है इसकी रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो है FHRENHEIT, ये जो है करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉरेन, फॉरेन FORIEGN, लेकिन इसकी एक्चुअल में स्पेलिंग क्या है, FORE, यहाँ पर जो है IE है, यहाँ पर जो है EI है, मतलब ये वाली स्पेलिंग जो है हमारी करेक्ट है, FOREIGN, ठीक है। पहले आप लेक्चर को अच्छे से सुने, उसके बाद ही आप नोट कर लेना, ठीक है। ओके, नीचे 6 में क्या है हमारे पास, GAURD, लेकिन इसकी करेक्ट जो गार्ड है, इसकी जो मतलब AU यहां पर है, ठीक है, गार्ड में, लेकिन यहां पर क्या है UA, यानी कि जो करेक्ट है उसमें क्या है UA, which means GUARD जो है वो गार्ड के लिए जो है करेक्ट स्पेलिंग है, ओके। उसके बाद 7th जो है वो है रिमेंबर, रिमेंबर, तो इसकी स्पेलिंग MAM दिया है इन्होंने, AM, लेकिन यहां पे क्या है EM, मतलब करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है EM। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो मुझे लगता है आप खुद ही भी स्पेलिंग्स बना पाएंगे, ठीक है। मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें ज्यादा से ज्यादा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। उसके बाद 8th जो है हमारे पास वो क्या है, TONGE, मतलब टंग, इनका मतलब यह है कि टंग की स्पेलिंग बताओ, ठीक है, लेकिन यहां पर OU है, ठीक है, लेकिन O यहां है और U यहां है, मतलब इसमें जो है बहुत डिफरेंस मतलब है यहां पे, ठीक है। तो मतलब इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, TONGUE, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, इसकी स्पेलिंग SUPRISE दी है डायरेक्टली, लेकिन SUR जो है यहां पे R यूज करना होता है हमें, हालांकि इसको आप पढ़ते तो हम सरप्राइज हैं, लेकिन यहां पे R जो है थोड़ा सा साइलेंट रहता है, इसलिए हम इसको सरप्राइज पढ़ते हैं, ओके ओके। लास्ट वाला जो है wherever, wherever, यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल ई है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल ई है, मानता हूं कि स्पेलिंग जो है वेयर की जो है WHERE है और एवर की EVER है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अंग्रेजी में कुछ भी डाल दें, ठीक है, मतलब अपनी उसमें हम उसको यूज करें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंगल यूज करना, मतलब इस डबल को सीधे ही अपने सिंगल बनाना है, बन गया आपका वेयर एवर वर्ड, मतलब इसी तरह से सिंपल जो है आपने सिंपली समझना है कि किस तरह से ये होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अब आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, और कमेंट्स में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे पहले, अगर आपको वो नहीं आते थे तो आप गूगल करके चेक कर लीजिए, फिर भी आप आंसर्स दे दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।